हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है एक इंपॉर्टेंट सेशन है। एनडीए 2 के लिए हमारे पास लास्ट मंथ है, इसके अलावा टीएस 43 की डेट्स आ गई हैं, उसको लेकर है। अगले वन मंथ में किस ढंग से प्रिपरेशन करना है और टीएस 1 में जो आप में से किसी ने भी मिस्टेक्स की होंगी उन मिस्टेक्स को नहीं करें, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्शन है वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट मंथ है और लास्ट मंथ में अगर हम एनडीए की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास एनडीए के साथ साथ एक और एंट्री। अब मैं पहले बताना चाहूंगा कि, और ये मैं आपको, मैंने बुलेटिन हाथ में लिया वो भी बताऊंगा कि टीएस 42 के समय, या मैं बेसिकली बात करूं कि जो एनडीए 1 के समय टीएस की एंट्री होती है उसमें और 2 के समय टीएस की एंट्री में क्या डिफरेंस है, मैं पहले वो भी बताऊंगा, और किस किस को टीएस के लिए अप्लाई करना चाहिए, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट क्या है, और लास्ट मंथ में एनडीए के लिए क्या प्रिपरेशन करें। बहुत ध्यान से पूरा सेशन सुनिए, समझिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल मंथ है, इंपॉर्टेंट मंथ है, और इस बात को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके। अब सबसे पहले बात करते हैं, जब एनडीए बन था यानी अप्रैल में, उस समय टीएस 42 था, इस बार इसके पहले अलग होगा, तो इसमें क्या मिस्टेक्स होती है या क्या क्या इश्यूज आते हैं जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो पहले बता दूं। इस समय जो बच्चों के 12th में 75-70 से ऊपर होते हैं वो सब अप्लाई करते हैं, और बहुत बड़ा परसेंटेज वो भी होता है जिसके 12th में अच्छे परसेंट है पर उनका डिफरेंस एज अ करियर या एज अ ड्रीम नहीं होता है, केवल उन्होंने क्योंकि नीच सुनी होती है या सेशन देखे होते हैं तो वो सोचते हैं अप्लाई कर दें। तो ऐसे में नंबर वन, जैसे इस बार टीएस 42 का कट ऑफ था 85% पीसीएम, यानी जिनके 12th में 85% थे वही जा सकते थे, पर जब वो बच्चे एसएसबी के लिए जाते हैं तो कई बार वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, कई बार कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो डिफेंस को लेके वैसा नहीं सोच रहे होते हैं जो डिफेंस वालों को चाहिए, यानी एसएसबी में जो चीजें बेसिकली रिक्वायर्ड है वैसे नहीं। फिर इन बच्चों में जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे आईआईटी का भी एग्जाम देते हैं और जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग एग्जाम देते हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज इंजीनियरिंग में चला जाता है, पर एक परसेंटेज वो है जिसका ड्रीम डिफेंस है। तो मैं बेसिकली, अगर आपका सपना डिफेंस है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपका ड्रीम डिफेंस है तो डिफेंस में जाने के रास्ते बहुत ज्यादा हैं और हर साल मिलते हैं, तो इसलिए कभी भी डिफेंस वाले बच्चे को निराश नहीं होना चाहिए। तो अब जब एनडीए 2 के समय आती है बात, तो क्या होता है कि यहां पर 12th के बहुत सारे स्टूडेंट जो नॉन सीरियस होते हैं वो भी अप्लाई कर देते हैं, और ऐसे में कट ऑफ भी हाई जाता है, और फिर बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट भी होते हैं, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने क्योंकि 12th में परसेंट बनाया था पर एनडीए के लिए प्लान ही नहीं किया था पहले से और बाद में सोचा होता तो वो एसएसबी के लिए मेंटली तैयार नहीं हो पाते। तो ये सब इश्यूज हमेशा टीएस अप्रैल वाले समय में होते हैं। जब की बात होती है, क्योंकि जब जब एनडी होता है, जब जब ये सारी एंट्री होती है नेवी की भी या टीएस की भी, तो जब मैं बात करता हूं कि एनडीए 2 के समय, अब जो बच्चा मान लो इंजीनियरिंग नहीं करता, जिसका ड्रीम एनडीए, वो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा होता है, और फिर वो एनडीए के साथ, मैं हमेशा बोलता हूं फिर जो जो पॉसिबल ऑप्शन है, अगर आपके पास 12th में अच्छे परसेंट है, आपका जेईई मेंस में अच्छा स्कोर है, तो आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो इंडियन आर्मी में जाने का हमारे पास एक और रास्ता होता है, वो टीएस के थ्रू हम जा सकते हैं। तो आप सब लोग भी जिनके भी 12th में पीसीएम में 70% एंड अबव है वो जरूर अप्लाई करें। चांसेस जैसे अप्रैल वाला जो टीएस 42 था उसका 85 गया, हो सकता है इसका 80% के आसपास जाए, हो सकता है इससे कुछ कम हो, इससे कुछ ज्यादा हो, ये डिपेंड कैसे होता है वो भी मैं आपको एक आइडिया देता हूं। होता क्या है कि जितने लोग अप्लाई करते हैं उन सब में से, मान लीजिए उनको 500 लोगों को, 5000 लोगों को कॉल करना है या 10000 को, उन 10000 स्टूडेंट में जो टॉप 10000 होते हैं उसमें जो 10000 नंबर पे जिस बच्चे का परसेंटेज होता है वो आखिरी बच्चे का कट ऑफ ही माना जाता है, वैसे ही एक सिस्टम है। तो आप लोग अगर 70% के ऊपर है तो जरूर अप्लाई करें। एक और चीज याद रखिएगा कि जिनकी एज, मैं एज हमेशा, मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जिनकी एज 2 जनवरी 2001 के से 1 जनवरी 2004, ये डे भी इंक्लूड है, वही लोग टीएस अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप एनडी 2 के लिए कर दिया हो पर आप टीएस के लिए एलिजिबल नहीं हो, डिपेंड ऑन डेट। तो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी
2004 के बीच में। परसेंटेज पीसीएम में याद रखिएगा एग्रीगेट या टोटल परसेंटेज नहीं देखा जाता। आप लोग कई बार ये क्वेश्चन बोलते हैं कि सर 12th में 80% है, पीसीएम में 69 है। 70% मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी अगर आपका 70% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन आप पूछते हो सर 70% के ऊपर है 72 क्या कॉल आ जाएगा, ये मैंने फिर बोला ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस किस ढंग से आई है और कितने परसेंटेज वाली आई है वो डिक्लेयर करेंगे। तो ओपनिंग डेट है वो है 15 अक्टूबर और एंडिंग डेट है 13 नवंबर, यानी आप 15 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में कभी भी ऑनलाइन joinindianarmy.nic.in पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं, फिर मिस्टेक होने के बाद मुझसे पूछते हैं कि सर फॉर्म फिलिंग में ये दिक्कत हो गई या ये चीजें मिस्टेक हुई हैं। सबसे पहले इनका जो आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया वो निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए, एक एक पेज को बहुत अच्छे से रीड करिए। सब चीजें दी है, आपकी हाइट कितनी होना चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, सैलरी क्या होगी, क्या क्या प्रोसीजर है, एक एक चीज की इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। पहले बहुत अच्छे से रीड आउट करें, हाईलाइट करें, फिर उसके बाद ही फॉर्म फिल करें, उसके पहले ना करें। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी, आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है joinindianarmy.nic.in, वहां पर TS-43 का एक नोटिफिकेशन है, उसको पहले रीड करें फिर उसके बाद भरें। अब आपका जो मेजर क्वेश्चन होता है कि परसेंटेज ऑफ चांस कट ऑफ के क्या है, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है TS-2 में 80% के आसपास होना चाहिए, यानी 80% प्लस या माइनस हो सकता है, 77 पे भी कॉल आ जाए, हो सकता है 83 पे भी ना आए, डिपेंड। पर TS-42 का 85 गया था, उसके अकॉर्डिंग हम 2 में अक्सर 3-4% का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में चले जाते हैं, कुछ की एज लिमिट भी निकल जाती है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये एक चीज याद रखिए। अच्छा, एंड TS-43 जो इस समय होता है उसमें एक सबसे अच्छा सबसे खास बात ये होती है कि इस समय जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो मोस्टली वो बच्चे होते हैं जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, यानी नॉर्मली नवंबर वाले टीएस में जो बच्चे जाते हैं नवंबर दिसंबर वाले में उसमें वो कैंडिडेट ज्यादा जाते हैं जो कि डिफेंस को लेके सीरियस हैं। अप्रैल वाले में भी वो जाते हैं, पर एक वो भी बहुत बड़ा परसेंटेज जाता है जो कि डिफेंस को लेके बहुत सीरियस नहीं था पर परसेंटेज अच्छे थे फिल कर दिया। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें, 90 के आसपास सीट्स होती हैं, एक अच्छा मौका अगर आपके पास परसेंटेज है तो एनडीए के साथ जाने में। अब बात करते हैं एनडीए के लास्ट मंथ के लिए, लास्ट मंथ में क्या करना चाहिए कि हम एनडीए में एक अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि एनडीए के थ्रू आप ऑल 3 वीक्स में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं या इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। लास्ट मंथ सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होता है, इस समय आपको एक चीज याद रखनी है, आज 15th ऑफ अक्टूबर है, 15th नवंबर को आपका लास्ट प्रिपरेशन डे होगा, 16 नवंबर को रेस्ट डे होगा और 17 को पेपर देना है। इन एक महीने में अगले 15 दिन तो आप वो चीज पढ़ सकते हैं जो आपके टॉपिक छूटे हैं, पर 30 अक्टूबर के बाद मतलब 1 नवंबर से लेके और 15 नवंबर तक जो आपने पिछले महीनों में पढ़ा है उसको ही एनालाइज करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। करंट अफेयर्स चाहे तो अब आप पढ़ना धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, 10-12 दिन बाद छोड़ देंगे तो बिल्कुल ही चलेगा, पेपर बन जाता है। तो एक बात, दूसरी बात, मैथ्स के टॉपिक्स को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान रख के चलना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक सबसे इंपॉर्टेंट की बुक होती है, पेपर एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने सिखाया था, फिर बताता हूं। अभी मैं आपके साथ जो भी अभी काफी रेगुलर सेशंस में आपके साथ एनडीए के शेयर करूंगा, उसमें पेपर एनालिसिस, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स ये सब डिस्कस करूंगा, हर एक सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जब कोई पेपर आप प्रैक्टिस के लिए दें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, एग्जाम्पल कि सेट से कितने क्वेश्चन आए उस पेपर में जो मॉक दे रहे हैं, रिलेशन में कितने क्वेश्चन आए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने क्वेश्चन आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कितने क्वेश्चन आए, वो सब लिखिए। फिर देखिए कि आपके राइट और रॉन्ग कितने हुए हैं, फिर जो राइट हुए हैं उनमें टाइम ज्यादा तो नहीं लगा और जो रॉन्ग हुए वो किस वजह से हुए, कैलकुलेशन मिस्टेक, फॉर्मूला मिस्टेक, ये सब चेक करते हुए चलना है। और फेवरेट टॉपिक्स को पहले अटेम्प्ट करना है, जिन टॉपिक में टाइम लगता है उनको बाद में करना है।
कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये नहीं छोड़ने वाले टॉपिक हैं। 50 से 60 क्वेश्चन केवल इन्हीं टॉपिक्स में आते हैं। बहुत ही बैलेंस पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करना है। लास्ट मंथ लोग अपने आप को छोड़ देते हैं, मैं कहूंगा आपको यही मंथ है अपने आप को पकड़ना है। अगर आप एक लंबी रेस जोड़ रहे हो तो उसमें कितने बीच में धीरे चले, कितने तेज चले इंपॉर्टेंट नहीं है, अंत कैसे किया, एंड कैसे किया। जब मैराथन होती है तो एक चीज याद रखी जाती है, स्टार्टिंग में स्लो चला जाता है, जब एंडिंग पॉइंट आ रहा होता है तो हम अपने आप को फास्ट करते हैं, वही चीज यहां पे अप्लाई होती है। तो आपने और दूसरा आपका लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, सब बातें दिमाग से निकाल दो। सिलेक्शन होगा कि नहीं निकाल दो दिमाग से, हर एक चीज को निकाल के एक चीज सोचिएगा कि आप अपना बेस्ट देने वाले हैं। बेस्ट का कोई लिमिट नहीं होता, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, बस जो जो आता है वो पेपर में करना है, जो नहीं आता उसको बाद में देखना है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होती है कि हम वो चीजें पहले देखते हैं जो नहीं आती, उससे ही एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर के वजह से कई बार जो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसमें हम अपने आप को बेकार से बेकार परफॉर्म करते हैं। ये एक कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन मत देखिए, मैथ्स के 80 क्वेश्चन देखिए, 150 जीएटी के क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन मत देखिए, 100 क्वेश्चन देखिए, 100 फेवरेबल क्वेश्चन देखिए, 80 मैथ्स के फेवरेबल क्वेश्चन देखिए, कैसे नहीं होता आपका, आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है पेपर। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि लास्ट मंथ बहुत क्रूशियल है और इस मंथ में मैं आपके साथ बहुत रेगुलर अब समय आ गया कि कुछ छोटे छोटे सेशंस लूंगा जिससे आप रेगुलर कनेक्ट रहें, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। तो आपको यह समय अपने आप को छोड़ना नहीं है बल्कि पकड़ना है। यही समय होता है जब हमारा कई बार टेस्ट में स्कोर नहीं आता, कई बार हमारा परफॉर्मेंस नहीं आता, हमें निराशा आती कि इतना करके भी हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे, ऐसा मत सोचिए। याद रखिए कई सारे मॉक पेपर से, यहां पर क्लास में भी होता है, बोलता हूं 1 2 3 नहीं, ये 50 पेपर से मिलके एक पेपर बन रहा है। इन 50 में हो सकता है बॉटम पे हो, पर इन 50 पेपर को अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया है तो इन हर 50 पेपर के क्वेश्चन का ही एक पेपर बनेगा, आपका अपने आप परफॉर्मेंस आएगा। हर पेपर को एनालाइज करिए, जीएटी का भी और मैथ्स का भी। 2013 से 18 तक के पेपर बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, हर क्वेश्चन को समझिए, एक एक टॉपिक को पकड़ के चलिए। जैसे प्रोबेबिलिटी है तो पूरे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक साथ देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक साथ देखिए, राइट, डिफरेंशिएशन एक साथ देखिए, उनको ट्रिक से करिए, उनके लॉजिक्स को समझने की कोशिश करिए। सपोज प्रोबेबिलिटी के 20 क्वेश्चन आए, 18 भी बनते हैं, 16 भी बनते तो सफिशियंट है, 2-3 क्वेश्चन नहीं बनेंगे चलेगा। किसी भी टॉपिक में सिंपल और टफ होते हैं, टफ को पहले छोड़ना है, सिंपल को अटेम्प्ट करना है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करना है, जीएस के क्वेश्चंस को समझना है। मीडियम इंग्लिश है तो 100 नंबर के ऊपर कैसे इंग्लिश बोला है ये सोचना है। अगर मीडियम इंग्लिश नहीं है तो हो सकता है इंग्लिश में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के थ्रू करें, यानी अपने आप को एक साइकोलॉजिकली तैयार करिए कि क्या करें। दूसरा, मिसकंसेप्शन में मत उलझिए। बहुत सारे बच्चे ये चक्कर में रहते हैं कि जीएटी में इंग्लिश का अलग, जीएस का अलग, फिजिक्स का अलग, ऐसा कोई नहीं है। ओवरऑल कट ऑफ जीएटी का होता है, ओवरऑल कट ऑफ मैथ्स का होता है। अगर मैथ्स में कट ऑफ क्लियर कर गए तो जीएटी को पेपर चेक करेंगे, और जीएटी में कट ऑफ क्लियर कर गए तो ओवरऑल आपका रैंक आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी आपको कॉल आ जाएगा और फिर उसके बाद आप एसएसबी के लिए जाएंगे। तो अब मैथ्स में अगर कोई बच्चा 50% पेपर भी अटेम्प्ट करता है, यानी 60 क्वेश्चन भी राइट करता है, तो बिल्कुल श्योर है कि वो फाइनल सिलेक्ट होता है। 60 क्वेश्चन में भी 4-5 गलत हो गए तो भी सिलेक्टेड है। तो 50% आपका पहले मजबूत होना चाहिए, फिर 60, फिर 70। तो इस माइंड आप सेटअप को करो। अभी तक आपने, मुझे लगता है ये लास्ट मंथ है, 50% के ऊपर हर एक का सिलेबस हो गया, उस सिलेबस को मजबूत बनाइए। पढ़ने के तरीके को ध्यान रखिए कि जो आप अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे आपको कम से कम पुरानी चीजें जो पढ़ी है उनको रिवाइज करना है, और उसमें टेस्टिंग पेपर का एनालाइज बहुत अच्छे से करना है। 4 घंटे नया पढ़िए, क्योंकि इस समय लास्ट मंथ में पुराने चीजों को रिवाइज करना जरूरी होता है, नहीं तो हम भूलने लगते हैं। तो यही एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माइंड के साथ करना, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर 70% के ऊपर इमीडिएटली फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, टाइम मत लगाइए। और याद रखिए, अब आप पूछेंगे सर इसका कॉल कब आएगा, कब पता चलेगा, तो 13 नवंबर अगर लास्ट डेट है तो 13 नवंबर तक तो लोग फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद वो फिर उसको चेक करेंगे कितने एप्लीकेशन आए, फिर होगा, यानी ये सब प्रोसेस होने में नवंबर एंड हो जाएगा। तो आपको अभी इसके बारे में सोचना ही नहीं है, नवंबर एंड के बाद जब कॉल आएगा, एसएसबी आएगा, जब सोचेंगे। तो आप बस इसको अप्लाई करके इमीडिएटली छोड़ दीजिए, जिसके आपका कहीं पे माइंड डिस्टर्ब ना हो। आखिरी महीने बहुत ही फोकस पढ़ाई करिए, फिजिकली फिट रहिए। दिवाली आ रही है, आपकी दिवाली तो असली वो होगी जो 17 नवंबर को होगी, जिस दिन आप सबसे अच्छा करके आएंगे। टाइम को वेस्ट मत करिए, एक एक मिनट को यूटिलाइज करिए।
जब खाली बैठे हो, पांच पांच दस दस मिनट में ब्लैंक पेज पे फॉर्मूले लिखिए, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, डिफरेंशिएशन के, इन सबको लिखते चलिए, छोटे छोटे पेपर्स को सॉल्व करिए, पेपर एनालाइज बहुत अच्छे से करिए, जिससे आप समझ पाए कि नेचर क्या है और आप कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको अपने आप को समझना है कि आपकी ताकत क्या है, जो आपकी ताकत है उसको मजबूत बनाने की कोशिश करिए। वीक एरियाज को अभी टाइम दीजिए 15 दिन, और पर 15 दिन भी कम टाइम दीजिए, पहले जो आता है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। ये मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, उसके बाद भी मैं बोलूंगा कि सारी इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद ही फॉर्म भरें, और कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बिल्कुल क्वेश्चन भेजें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।